अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक, अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बड़े दिनों के बाद बात हो रही है क्योंकि हज से मुतालिक कोई अपडेट नहीं आ रही, तो मैंने कहा आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। बहुत से सब्सक्राइबर्स छोड़ के भी चले गए, बट अब कंसिस्टेंटली हज की न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं आपके साथ इन टच रहूँगा और लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उमरा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग हज 2024 अदा कर चुके हैं उनके लिए जो बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है उसमें अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाया, और सब लोगों ने जिन्होंने हज अदा किया उनकी दुआ जितनी भी उन्होंने मांगी और उन्होंने जो हज की सआदत हासिल की अल्लाह ताला उनको कबूल मंजूर फरमाए। और जो 2025 में जो आप अपडेट्स आ रही हैं और जो लोग हज अदा करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की नीयत को भी और उनके हज को भी कबूल मंजूर फरमाए। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने हज 2024 में अदा किया और माशाल्लाह बड़ी सआदत हासिल की। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंसेस ऑलरेडी कम किए थे जब हज पे जाने से पहले, 1 लाख रुपए कम पिछले साल की नस्बत, 2023 की नस्बत 2024 में 1 लाख रुपए कम किया था। ये मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने बताए हैं, ये मेरी कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जो गवर्नमेंट बता रही है मैं आपके सामने कन्वे कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने हज 2023 के मुकाबले में इस साल 1 लाख रुपए हज को सस्ता किया। अब जो मज़ीद अपडेट्स आ रही हैं वो ये कि जो वफाकी वज़ीर मज़हबी अबूर हैं चौधरी सालिक हुसैन, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि हमने बहुत सारी बचत भी की है हज 2024 में, और जो अखराजात की मद में जो पैसे बचे हैं, जो रकम बची है, ठीक है, अब हम वो मरहलावार लोगों में वापस तकसीम करना शुरू कर देंगे। तो ये कौमी असम्बली में उन्होंने बयान दिया है और उसकी एक एस्टिमेटेड एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब करीब, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए ही हो, 1 लाख रुपए के करीब करीब उन्होंने ये कहा है कि हम हर हाजी को फीकस 1 लाख रुपए के करीब करीब रकम वापस अदा करेंगे। अब सवालात लोगों ने बहुत ज़्यादा ये पूछे कि ये रकम जो है वो हर हाजी को वापस कैसे मिलेगी। तो आपको मैं तरीकाकार बताता चलूँ कि जो रकम आप लोगों को वापस मिलेगी, एक तो वो वही बैंक अकाउंट होगा जो आपने हज एप्लीकेशन के दौरान बैंक अकाउंट वहाँ पर मेंशन किया था, लिख के दिया था, जिस अकाउंट से आपने यानी कि पेमेंट भी की होगी, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता कैसे लगेगा कि आपको रकम जो है वापस कब मिलने जा रही है, तो उसके लिए पाक हज ऐप जो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवाई थी आप लोगों को हज पर जाने से पहले, उसको उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक अनइंस्टॉल नहीं किया होगा, अगर कर दिया तो आप उसको दोबारा इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उस पर कंसिस्टेंटली मुसलसल आपको मैसेजेस मिलेंगे जैसे ही रकम वापस मिलना शुरू हो जाएगी, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट टाइमिंग्स में लोगों को मिलेगी। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैसेजेस भी आएंगे, तो आपने मोबाइल फ़ोन को आपने चेक करते रहना है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज आ सकता है और आपको इंशाल्लाह कॉल भी आएगी वजारत की तरफ से भी और बैंक की तरफ से भी, तो आपको बैंक के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप फिर भी इन तमाम चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी वीडियोज़ ज़रूर देखते रहिएगा, मैं बिल्कुल आपको अपडेट देता रहूँगा कि किन किन शहरों में कब कब रकम जो है और कितनी कितनी वापस की जा रही है। मे बी मुख्तलिफ शहरों में अमाउंट डिफरेंट भी हो, क्योंकि कराची के लिए हज की अमाउंट डिफरेंट थी और बाकी शहरों के लिए अमाउंट थी वो जैसे मुल्तान और लाहौर के लिए थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। बट इन टच रहिएगा, मैं तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हज उम्र पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।